शाबाश बेटे शाबाश। इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि हमारी सभ्यता अभी मरी नहीं जिंदा है। बड़े खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिनकी गोदी में भगवान ने ऐसा बच्चा डाला। मैं उनसे मिलना चाहूंगा। जाओ बेटे अपने माँ बाप को बुला कर लाओ। अब मैं मेयर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। चलिए ना दादाजी। हाँ चलिए दादी जी आप भी। आइए आइए। सर आपने बोला था ना मम्मी पापा को स्टेज पे लाने के लिए, मगर मैं उनको लाया हूँ जो मम्मी पापा से भी बढ़कर है। ये मेरे दादाजी, ये है मेरी दादी जी। आपने इस बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं चाहूंगा आप दो शब्द यहाँ बोलें, प्लीज। हमने कभी सुना था कि संसार में पोता अपने दादा का दूसरा जन्म होता है। शायद सही सुना था। ये जिंदगी एक खेत की तरह है जहां इंसान किसान की तरह पाप और पुण्य के बीज बोता है और वह बीज उसे फल की शक्ल में इसी संसार में पोते की तरह नसीब हो जाते हैं। मैंने हो सकता है कभी कोई बहुत पुण्य का काम किया था जो भगवान ने मुझे इसी जन्म में मेरे जीते जी ऐसा पोता नसीब किया। मेरे पास और कहने को कोई अल्फाज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, आज नींद नहीं आ रही क्या? सिर्फ आज ही क्या सपना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबूजी हमारी जिंदगी भर की नींद खत्म कर देंगे। अगर रवि हमारे साथ इसी तरह बदतमीजी के साथ पेश आता रहा तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़ा होकर बीच चौराहे के अंदर हमारी बेइज्जती कर देगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि रवि को इन बुढ़ा बुढ़ी से दूर किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दूं। रवि को यहाँ से क्यों भेज रहे हो? अरे जिस काम के लिए तुम अपने माँ बाप को बहला फुसला कर यहाँ लाए वो काम तो हो गया है। अरे उनको यहाँ से निकालो ना जिनके कारण रवि बदतमीज होता जा रहा है। अब इनकी जरूरत भी क्या है, समझे? तुम ठीक कह रही हो सपना, कूड़े कचरे को ज्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए वरना बदबू बढ़ जाती है। इस गंदगी की सफाई मैं कल सुबह ही कर दूंगा।
जाओ। तुम इस घर में एक पल रहने के लायक नहीं हो। निकलो बाहर। ये क्या कर रहे हैं आप? उठो। ये क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, आज मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान किया, लेकिन तुम्हारी कोख तुम्हारा यह अपमान करती, इससे बेहतर था कि तुम्हारा सुहाग तुम्हारा अपमान करे। हाँ लक्ष्मी, मेरे हाथों की अब अपमान तुम सह जाती, लेकिन अगर ऐसा ही अपमान तुम्हारी औलाद करती तो तुम्हारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसलिए मैंने ये सब किया, जानबूझ कर किया। चलो लक्ष्मी, इससे पहले कि हमारी औलाद हमको यहां से ठोकर मार कर धक्के मार मार के बाहर निकाल दे, हम अपने घर चलते हैं। दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। ना बेटा, अपने दादा का पोता है ना, तो अपने दादा की बात याद रखना बेटा। जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, कभी हिम्मत मत हारना, कभी रोना मत, कभी आंसू मत बहाना बेटा। रवि, चलो बेटा अंदर चलो। नहीं, मैं दादाजी को कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अंदर चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। रवि, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अंदर चलो। नहीं, चलो अंदर। दादाजी, दादाजी। चांटा मारने से पहले ये तो सोच लिया होता कि किसके गाल पे मार रहा है और किसके कलेजे पे लग रहा है। सुनिए। नमस्ते गंगाराम जी। यहां तो हमारा घर था, ये बिल्डिंग कहां से आ गई? अरे आप हैरान क्यों होते हैं? आपके बेटे विजय बाबू ने आपका पुराना मकान तोड़वाकर ये नई बिल्डिंग खड़ी कर दी है। अरे पड़ोसियों, अरे मोहल्ले वालों, अरे मैं लूट गया, अरे मैं बर्बाद हो गया, अरे मैं क्या करूं? अरे भाइयों, मेरी किस्मत पे हाथ 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 फिरो, अरे रोते दिन भर रो दो यार, अरे मैं क्या करूं? अरे मेरे घर लड़की पैदा हुई है, हाय 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 हाय। कौन है? कोई भी नहीं। अरे 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 मेरे भाई, मेरे भाई धतूरा राम, अरे मेरे लिए कफन, मेरे लिए अर्थी का सामान हुआ कि नहीं हुआ? मैंने टेलीफोन कर दिया है, रेडीमेड कफन आता ही होगा। अरे बाप रे, अगर कफन आने में इतनी देर हो रही है तो पेट्रोल छिड़का मुझे आग लगा दे रे। पैसा दो, अभी पेट्रोल ला कर देता हूँ। मरते हुए इंसान से पैसे मांगता है तो बोला काई को था। अरे फुलचंद, फुलचंद क्या हुआ? कोई कोई मर गया क्या? अरे भाई गंगाराम, कोई नहीं मरा, मैं मर गया। क्या बकवास कर रहा है? मेरे घर लड़की पैदा हुई है। जा भाई जा, ये तो रोज करो ना, जा जा। अरे तू तकदीर वाला है कि तेरे घर लड़की पैदा हुई है? लड़की देवी का रूप होती है, दुर्गा, लक्ष्मी, बीबी मरियम, बीबी फातिमा और ज़हरा, ये सब लड़कियां ही थी ना। और ये क्यों भूल जाता कि तुझे जिसने जन्म दिया, तेरी माँ वो भी औरत थी, तू आज इसलिए रो रहा है कि भगवान ने तेरे घर में लड़की पैदा की है, और मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे घर लड़की पैदा क्यों नहीं हुई।